हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फ्रेंड आज की वीडियो में। तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एक ही पीसी में मल्टीपल क्रोम ब्राउजर कैसे यूज कर सकते हो। ये आप जो कि ट्रिक है अपने पीसी पर, अपने लैपटॉप पर, कहीं पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे जो कि डेस्कटॉप पर अगर आप देखेंगे तो 4 क्रोम ब्राउजर इंस्टॉलेड है। जैसे कि ये देख सकते हैं, पर्सन 1, क्रोम पर्सन 2, क्रोम पर्सन 3, क्रोम पर्सन 4, क्रोम। यहाँ पर से देख सकते हैं 4 क्रोम ब्राउजर यहाँ पर से मेरे ओपन है। तो ये मैंने कैसे किया, तो ये सिंपली ट्रिक है। यहाँ पर आपको कोई भी डेटा वगैरह खर्च करने की ज़रूरत नहीं और कुछ भी यहाँ पर से कुछ एक्स्ट्रा डाउनलोड वगैरह या फिर एक्स्ट्रा ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे कैसे अपने जो कि पीसी या फिर लैपटॉप में कैसे कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, साथ ही साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर को पीसी रिलेटेड हर वो जो कि ट्रिक और जो कि टिप्स देखने के लिए मिलेगी। तो अगली वीडियो के इंतजार के लिए आप जो कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपका क्रोम ब्राउजर है आपका एक ही रहेगा आपके पीसी में, तो सिंपली उसे ओपन करना है आपको। जहां पर देखिए मैंने इस तरह से ओपन करके लिया है, तो सिंपली आपको भी जो कि आपका क्रोम ब्राउजर है उसे ओपन कर लेना है। उसे ओपन कर देने के बाद यहां पर अगर आप देखेंगे जो अपना अकाउंट रहता है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहां पर से देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट है, उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली जाना है मैनेज पीपल पर। जैसे आप मैनेज पीपल पर चले जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से जो कि आपको एक देखने के लिए मिलेगा पेज। और जैसे कि यहाँ पर से मैंने बताया कि मेरे इसमें 4 क्रोम ब्राउजर ओपन है, तो वहाँ पर जो कि ये चारों के चारों आ चुके हैं, जैसे पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 और पर्सन 4। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर से सिंपली क्या करना है, ऐड न्यू पर्सन पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पर्सन पर करने के बाद आप जिस भी पर्सन का रखना चाहते हो उसका नाम दे सकते हैं, या फिर अगर आप ब्लॉगिंग के लिए कुछ रखना चाहते हो तो ब्लॉगिंग नाम दे सकते हैं, या फिर कुछ काम के लिए कर सकते हो तो उसका नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप अपने पिक्चर भी यहाँ पर से ले सकते हैं, लेकिन सिंपली मैं यहाँ पर से एक कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ और यहाँ पर से ऐड कर देता हूँ। और ऐड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो कि एक न्यू क्रोम है वो बन चुका है और आपके पीसी में जो कि क्रिएट हो चुका है। अब मैं वो बताता हूँ कहाँ पर आया होगा। इसे सिंपली मिनिमाइज करते हैं, इसे भी मिनिमाइज करते हैं। और जैसे यहां पर से देखेंगे ऊपर के टॉप बार में पर्सन 5 क्रोम ब्राउजर, जैसे कि आप यहां पर से देख सकते हैं कि पहले मेरे इसमें 1, 2, 3, 4 ही थे, लेकिन ये पांचवा क्रोम ब्राउजर भी आया है। तो आप इसी मदद से आप कितने जितने चाहे आप कितने भी यहां पर से क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। यहां पर कोई भी लिमिटेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहां पर काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपकी वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी और काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल से भी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहे एंड गुड बाय।